पूरे जनजातीय समाज को जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ग्राम्य विकास विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है।